सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दतिया खसरा क्रमांक 1776 बटे 2874 2875 से लगी हुई जमीन का जब अभी तक हमारे नाम रजिस्ट्री नहीं हुई है तो वह हमारी कैसे हो सकती है। जमीन को लेकर जफर अली जैदी नामक युवक द्वारा मेरे विरुद्ध लोगों को भ्रमित करते हुए मीडिया में अनर्गल आरोप लगाकर गुमराह किया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए सुनील कामरिया ने बताया कि उक्त नंबर की जमीन का क्रय करने के लिए अभी हमारी बातचीत चल रही है। जिन लोगों की जमीन है उन्होंने ही उसे समतलीकरण कर लेवल में मिलाया था, फिर हमारे ऊपर आरोप कैसे। श्री कमरिया ने बताया कि जिस जगह जफर अली जैदी अपनी जमीन होना बता रहे हैं और जमीन शासकीय होने के साथ साथ कर्बला की है जिस पर उन्होंने नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है, यहां तक कि उनके द्वारा जमीन पर किए जा रहे अनैतिक कार्य को छुपाने के लिए धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जो कि सरासर गलत है। पूर्व में पुलिस ने यहां से अवैध शराब बनने की फैक्ट्री पकड़ी थी जिसमें जफर अली सैदी लगभग 3 माह तक जेल की सजा काट चुके हैं और यहां पर अन्य नैतिक कार्य भी होते हैं। इस सब को छुपाने के लिए प्रशासन का ध्यान गुमराह करने के लिए जमीन को मुद्दा बना रहे हैं। उक्त जमीन गुलाब अब्बास पुत्र गण याकूब तलत नवी राहत नवी पुत्रियां याकूब के नाम हैं। वे जिसे चाहे अपनी जमीन को बेच सकते हैं। जफर अली जैदी का इन लोगों से पारिवारिक विवाद है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लोगों के साथ पत्रकार वार्ता की थी, उन्होंने हम पे झूठे आरोप लगाए हैं कि हम उस कर्बला की जमीन पे अतिक्रमण कर रहे हैं जबकि उस जमीन के ये कागजात हैं जिसमें आपको उनकी सारे जो जमीन के खातेदार हैं गुलाब अब्बास पुत्रगण याकूब तलत नवी राहत जैदी पुत्रियां याकूब ये उनकी जमीन है और जमीन का रकबा है 6 बीघा 11 आरे जो जमीन है उनकी और ये उसका नक्शा है जमीन का। जमीन से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं जो ये 2004 में सीमांकन हुआ था जिसमें वो खुद उपस्थित थे और इनका अपने आपसी भाईचारे में भी विवाद चल रहा है जिसमें इन्होंने अपने भाइयों के साथ बेईमानी करके अपने नाम पूरी ज़मीन करवा ली थी जो कर्बला की 12.5 बीघा ज़मीन है। इनका कोर्ट में केस चला एडीएम साहब के यहाँ पे जिनकी ये जो ज़मीन इनके नाम हो गई थी वो इनसे निरस्त की गई और इनके भाइयों को बंटवारे में दे दी गई है जिसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कर्बला की भूमि पे जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं हम पे झूठा उसमें ये वहाँ पे गोरख धंधा भी करते हैं जिस गोरख धंधे की उन पे जो पिछली बार FIR हुई थी जिसमें 420 467 468 34(2) जिसमें ये दारू का अवैध धंधा वहाँ पे चालू करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। धर्म के नाम पे ये वहाँ पे लोगों को बांटते हैं और हम पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि आपने ये चीज़ कर रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची जा रही है। जब खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.